वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 मारुति सुजुकी स्विफ्ट। मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2023 का प्राइस 5.99 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और जाता है 9.03 लाख रुपीस तक। आज की इस वीडियो के अंदर ना मेनली बात करने वाले इसके ब्लैक कलर वाले ZXI वेरिएंट के बारे में, जिसका कि ना एक शोरूम प्राइस है 7.63 लाख रुपीस। वैसे टोटल वेरिएंट्स की बात करें तो 4 वेरिएंट्स के अंदर ये कार आपको ऑफर की जाती है, जो कि है LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस। ये ZXI मैनुअल वेरिएंट, यहाँ पर आपको इसके अंदर कुछ इस तरह की सबसे पहले फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाती है। सेंटर में यहाँ पर सुजुकी का लोगो, क्रोम इंसर्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। हेडलैम्प यूनिट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो हेलोजन आपको यहाँ हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो कि आते हैं साइड टर्न इंडिकेटर के साथ। नीचे आपको यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर फॉग लाइट भी मिल जाती है। बाकी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल का लुक कुछ ऐसा आपको यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। ब्लैक कलर के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है कार। बाकी अगर बात की जाए ओवरऑल इसके फ्रंट साइड लुक की, तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे फ्रंट साइड लुक मिल जाएगा इस कार का। साइड में ना आपको यहाँ पर इसमें ऑफर किए जाते हैं 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स, जो कि आप देख सकते हैं सिल्वर कलर के अंदर आपको ये पूरे मिल रहे हैं। टायर प्रोफाइल मिल जाती है 185/55R15। फ्रंट टू डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। साइड टर्न इंडिकेटर यहाँ पर इसके ओवरवीएम के ऊपर प्लेस है, इन्हें आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही कर सकते हैं। एंड ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं साइड से कुछ ऐसी आपको यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर बॉडी कलर डोर हैंडल्स इसमें ऑफर किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर की आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएगा। रूफ इसकी पूरी की पूरी प्लेन रहेगी। एंड पीछे की अगर यहाँ पे बात करें तो कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर इसमें LED में टेल लैंप्स मिल जाती हैं। स्विफ्ट की बैचिंग है, साइड टर्न इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट इसी के बीच में है। सुजुकी का लोगो ऊपर आपको रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ मिल जाता है इस ZXI वेरिएंट के अंदर। एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कार का कंप्लीट बैक साइड से ना बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है ये ब्लैक कलर। नीचे ना आपको यहाँ पर इसमें 4 पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर किए जा रहे हैं, बट कोई भी आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें नहीं मिल रहा है। एंड ऐसा कुछ यहाँ पे ओवरऑल लुक है इस कार का बैक साइड से। और ना अब चलते हैं कार के अंदर, तो यहाँ पर ना आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा सबसे पहले तो कीलेस एंट्री के लिए। एंड डोर पैड की अगर बात करें तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर इसका कंप्लीट डोर पैड ऑफर किया जाता है, ब्लैक कलर के अंदर ही आपको पूरा मिल रहा है। यहाँ पर इसके ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स, ओवर VM के कंट्रोल्स, ट्विटर आपको मिल रहा है, स्पीकर आपको मिल जाता है, बॉटल होल्डर है, यहाँ पर पूरी फैब्रिक फिनिशिंग आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल भी इसमें मिल जाता है। अगर आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता चाहूंगा आपकी कार के लिए एक बहुत ही बढ़िया कार परफ्यूम के बारे में, जो कि है इन्वॉल्व एलिमेंट्स की तरफ से एक्वा एयर स्प्रे। इस परफ्यूम के साथ ना आपको यहाँ पर एक हैंगिंग टैग मिल जाता है, जिसके ऊपर कि आपको यहाँ पर इस परफ्यूम का स्प्रे करना होता है। बाकी अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें ना, तो बहुत ही आपको यहाँ पर इसमें कूल एंड रिफ्रेशिंग ओवरऑल फ्रेग्रेंस मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक एक्वा फ्रेश एहसास से मिलने वाला है इसको अपनी कार के अंदर कुछ इस तरह से स्प्रे करने के बाद। सिर्फ 2 बार आपको यहाँ पर इसे सिंपली स्प्रे करना है, उसके बाद इसकी फ्रेग्रेंस पूरी कार के अंदर आपके फैल जाएगा। एंड ये परफ्यूम बहुत ईजिली 2-3 मंथ्स तक लास्ट भी कर जाता है, तो जरूर से जाकर इसे बाय करें, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सीट्स को आप यहाँ पर इनमें मैन्युअली एडजस्ट इसकी कर सकते हैं, हाइट भी आप यहाँ पर इसकी एडजस्ट कर पाएंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच इस कार के अंदर आ रहा है, इसको प्रेस करने पर यहाँ पर हो जाएगा आपकी कार का सबसे पहले तो इग्निशन ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह का आपको ये ऑफर किया जा रहा है। स्टीयरिंग व्हील को आप यहाँ पर इसमें टिल्ट वे में ही एडजस्ट कर पाएंगे, टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। लेदर आप स्टीयरिंग व्हील है, मीडिया कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हेडलैम्प के लिए टॉगल मिलता है, इधर आपको यहाँ वाइपर के लिए टॉगल इसके पीछे मिल जाता है। बाकी यहाँ पर सेंटर में ना 7 इंच की स्क्रीन आ रही है, जिसका कि ना इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे कम्प्लीट ये मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, हेडलाइट लेवलर आपको मिल जाता है। बाकी ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट कुछ ऐसा आपको यहाँ पे कम्प्लीट इस कार का ऑफर किया जा रहा है। सेंटर में 2 AC वेंट्स हैं, हजार्ड लाइट का स्विच आपको मिल जाएगा। स्क्रीन की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको AM/FM ब्लूटूथ USB AUX और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। कार के रिलेटेड भी आप यहाँ पर इसके अंदर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। नेविगेशन भी आपको यहाँ पर इसमें दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है। फिर आपको टाइप ए पोर्ट मिलता है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है, 2 बॉटल होल्डर्स हैं। यहाँ पर इसका 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स। रिवर्स के लगाने पर आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंसर्स की साउंड सुनने को मिलती है, ना ही डिस्प्ले आएगा और ना ही कैमरा का यहाँ पर डिस्प्ले आएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ओवरऑल यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है, मैनुअल हैंड ब्रेक है। सीट्स कुछ इस तरह की रहने वाली हैं, ब्लैक कलर के अंदर आपको यहाँ फैब्रिक सीट्स इस कार में ऑफर की जा रही हैं, कुछ ऐसी आपको यहाँ कंप्लीट मिल जाती हैं। बाकी कीज़ भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, कीज़ कुछ ऐसी आपको यहाँ पर मिलती है,
ये आप देख सकते हैं ब्लू इंसर्ट्स हैं, लॉक अनलॉक का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेफ्टी के अंदर ना आपको यहाँ पर इसमें फ्रंट टू एयरबैग्स ऑफर किए जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर साइड पे आपको यहाँ पर कर्टन एयरबैग्स वगैरह कुछ भी इस स्विफ्ट के अंदर ऑफर नहीं किए जाते। और आपको एबीएस विजिबिलिटी, ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स सीट माउंट, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे और भी काफी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं यहाँ पर। इसका ग्लव बॉक्स ऊपर, आपके यहाँ सन सीट के अंदर वैनिटी मिरर मिलता है, मैनुअल डे एंड नाइट आईआरवीएम आ रहा है, यहाँ पर आपको रूफ लाइट मिल जाती है जो कि हेलोजन में, और यहाँ पर आपको एक टिकट होल्डर प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी ना इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अब चलते हैं इसकी बैक सीट में एंड देखते हैं कि बैक सीट में आपको कैसा कुछ ओवरऑल कंफर्ट यहाँ पर मिलने वाला है इस स्विफ्ट के अंदर। बाकी शोर काफ़ी ज़्यादा वहाँ से आ रहा है तो थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं आप उसे। ये आप देख सकते हो बैक डोर बिल्कुल सेम है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पर आप विंडो का स्विच, क्रोम डोर हैंडल, नीचे आपको स्पीकर बॉटल होल्डर मिल जाता है। डोर ओपनिंग की बात करें काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन हो जाता है, अंदर आपको दो हेडरेस्ट मिल जाएंगे। आमरेस्ट आपको यहाँ किसी वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता, फैब्रिक सीट्स, आइसोफिक्स सीट माउंट्स के साथ आपके ऑफर की जाती है। रियर एसी विंड्स वगैरह भी आपको यहाँ स्विफ्ट के अंदर नहीं मिलता है, मैप पॉकेट्स आपको यहाँ पर इसमें मिल जाती है सिर्फ एक सीट के पीछे। ओवरऑल डैशबोर्ड लुक कुछ ऐसा आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलने वाला है बैक सीट से। स्पेस एंड कंफर्ट की बात करें यहाँ पे ओवरऑल डिसेंट नी रूम, लेग रूम और हेड रूम को यहाँ पे मिल पा रहा है, कमी नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन थोड़ा और रहता तो डेफिनेटली ज़्यादा बढ़िया रहता। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इसका डोर हैंडल मिल जाएगा नीचे, बहुत ही थोड़ा सा हम पे कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। एंड तीन एडल्ट्स का बैठना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, इसका मतलब टाइट होकर बैठ सकते हैं और वैसे कंफर्टेबली तो यहाँ पे टू एडल्ट्स और एक किड बैठ सकते हैं। बाकी अब चेक कर लेते हैं इस कार का बूट। तो ना इसके टेलगेट को ओपन करने के लिए आपके यहाँ मिल जाएगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर बटन, जिसको कि प्रेस करके आप इसका टेलगेट ओपन कर पाएंगे। रिक्वेस्ट सेंसर साथ आपके यहाँ दिया गया, बूट स्पेस आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इतना ही आपको यहाँ ओवरऑल मिल जाता है। पार्सल ट्रे या रियर सीट 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आती है। नीचे आपको यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील मिल जाएगा जो कि है यहाँ पर 14 इंचेस का, एक साइज छोटा। बूट लाइट आपको यहाँ पर इसमें हेलोजन में दी जा रही है। एंड ना अब बंद कर देते हैं इसके टेलगेट को और बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो नहीं यहाँ पर आपको वैसे बेसिकली तो एक इंजन ऑप्शन ऑफर किया जाता है, लेकिन फ्यूल ऑप्शन आपको यहाँ पर इस पर दो मिल जाते हैं, एक है यहाँ पर सिर्फ पेट्रोल और एक है यहाँ पर पेट्रोल प्लस सीएनजी। ये वाली अभी आप सिर्फ पेट्रोल में देख रहे हैं। यहाँ पर ना जो आपको इसके अंदर 1.2 लीटर का के सीरीज का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है ना, वो ना इसके अंदर प्रोड्यूस करता है अराउंड 89 पीएस की पावर और 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और इसकी एयर एक लिमिट माइलेज है 22.59 किलोमीटर पर लीटर। बाकी ये फोर सिलेंडर का पेट्रोल इंजन आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ ऑफर किया जाता है। इंसुलेशन वगैरह भी आपके यहाँ मिल जाती है। और अब बंद करते हैं इसे एंड अब बात कर लेते हैं इस कार के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस इस पर्टिकुलर कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXI वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 7.63 लाख रुपीस एंड ये ऑन रोड आपको चंडीगढ़ के अंदर पड़ने वाली है 8.35 लाख रुपीस की। तो गाइस आपको ये कार कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ना लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व के एक्वायर परफ्यूम का, जिसे की जाकर आप जरूर से बाय कर लें ताकि आप भी मेरी तरह अपनी कार के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सी फ्रेग्रेंस का मजा ले सके। बाकी स्विफ्ट के बाकी सभी वेरियंट्स का डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड वीडियो अगर आपको ये वाली पसंद आई हो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बाकी ब्लैक कलर के अंदर ना मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ये कार। एंड ऐसी और डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।